दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरी वीडियो को देखने के लिए आए हैं। और इस वीडियो में मैं एक टॉपिक बहुत शानदार क्लियर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपका कार्ड का क्या स्टेटस है आपको नहीं पता चल पाता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटस को कैसे पता कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अच्छे हैं ना? सेहत का राज है अपने टाइम को टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ यूज करना, क्योंकि सब लोगों को मिलता ही 24 घंटे, और आप अपने 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं, अपने टाइम टेबल को कैसे बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद नहीं आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना होता है, गूगल में आपको HDFC.com एप्लीकेशन, HDFC.com बिलीव यू, इसमें आपको ट्रैक योर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। इसमें मैसेज वगैरह जो 16 डिजिट का अकाउंट एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पे जो आता है, इसमें लिखा हुआ यू विल रिसीव ए मैसेज फ्रॉम HDFC बैंक विच इंक्लूड योर एप्लीकेशन विद द रेफरेंस एंड एप्लीकेशन नंबर। इफ एलिजिबिलिटी की कैटेगरी मैच द बैंक्स, यू विल रिसीव ए कन्फर्मेशन SMS फॉर विच यू कैन ट्रैक योर क्रेडिट कार्ड बाय फिलिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिलो। ठीक है ना? तो ये है अपना रिक्वायर्ड। इसमें आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया जा रहा है, फिर आपको जो 16 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर आता है वो डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो एग्जीक्यूटिव आपको देगा फॉर्म नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं। तीन चीज़ों से आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर के बाद ये 16 डिजिट का नंबर जो आपके मैसेज के थ्रू आता है, या तो दूसरा एप्लीकेशन नंबर जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने पेपर को भरते हैं, और तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ भरने के बाद आपको ये जो कैप्चा कोड आ रहा है, इसको जैसे प्रॉपर है इसको कैप्चा कोड को आप डाल के आप आगे की चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक दिखा रहा हूँ, मोबाइल नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 57। ठीक है, इनका हमने कुछ दिन पहले अप्लाई किया था, मोबाइल नंबर इनका डाला है और इनका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है 92, तो पहले 92 डालना है, और फिर इनका मंथ डालना है, और फिर डेट डालना है, और सबसे ध्यान से कैप्चा कोड डालना। आप देखिए कैपिटल में लिखा ना N, तो कैपिटल में N, फिर 3, फिर कैपिटल में P, 4, स्मॉल में W, ये स्मॉल में लिखना है इसमें, अंकल मैप दे दो, और M कैपिटल में। और यहाँ पे देखिए इनका दिखा है ना, योर एप्लीकेशन इज डिसअप्रूव्ड, यानी कि इनका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गया है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को एक रीओपनिंग लेटर डालना है। हम दूसरा लेते हैं, हम ये वाला ले रहे हैं एक नया नंबर, ये हमारे किसी और क्लाइंट का है, फिर हम उनका डेट ऑफ बर्थ लेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लेंगे, सबसे पहले ईयर डाल देंगे और फिर मंथ डालेंगे और फिर डेट डालेंगे। ये मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ, मैंने कॉन्फिडेंशियल के लिए उनकी चीज़ों को मैंने हाइट कर दिया है। कैप्चा कोड का ध्यान रखना, ये देखिए स्मॉल W है, स्मॉल W, न्यूमेरिकल 8, फिर से स्मॉल W, फिर स्मॉल U, फिर कैपिटल B और कैपिटल K। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान, आराम से सबमिट करेंगे और देखिए इनका आ रहा है ना
योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब है कि भाई कार्ड बन चुका है। डिसअप्रूव्ड का मतलब होता है कि कार्ड नहीं बना है। अप्रूव्ड में तो आपका कार्ड आ जाएगा या आने वाला होगा, ऊपर एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा आपका 16 डिजिट का। आप उससे भी ऑनलाइन कस्टमर केयर को बता के बात कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर जो बड़ा आसानी से लगता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप बात कर सकते हैं और अप्रूव्ड कार्ड आपका आ जाएगा। कभी कभी आपको इन प्रोसेस में भी दिखाएगा। इन प्रोसेस का मतलब होता है कि आपकी फाइल अभी प्रोसेस में है, उस पर एक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, उसका मतलब ये कार्ड आ जाएगा आपका। तो देखिए इसमें तीन चीज़ें हुई, एक आपका डिसअप्रूव्ड हुआ, एक अप्रूव्ड हुआ और एक इन प्रोसेस हुआ। डिसअप्रूव्ड का मतलब है आपको दोबारा से रीओपनिंग फॉर्म भरना है। अप्रूव्ड का मतलब आपका कार्ड आ गया है या आने वाला है। इन प्रोसेस का मतलब है कि आपका प्रोसेस में है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन शो कर रहा है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड शो नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है। दोस्तों इस सिचुएशन में आपको एक रीओपनिंग लेटर बैंक को भेजना है। रीओपनिंग लेटर में आपको क्या करना है कि रीओपनिंग लेटर को प्रिंट आउट करके उसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर है 16 डिजिट का वो लिख दीजिए, अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह पूरा प्रॉपर भर के सिग्नेचर कर दीजिए, जो सिग्नेचर आपने फॉर्म पे किया है मोस्टली पैन कार्ड वाला ही साइन कर दीजिए। जो आपने फॉर्म पे किया है मोस्टली पैन कार्ड वाले ही साइन होते हैं, तो उस साइन को कर दीजिए। अगर आपका अकाउंट बेस है, अकाउंट बेस पे अप्लाई किया, तो आपने अकाउंट में जो साइन किया वो साइन करना है। एक पैन कार्ड अटैच करके उसको फोल्ड करके चेन्नई का जो ये एड्रेस आ रहा है इस एड्रेस पे उस फॉर्म को कुरियर करना होता है। आपको कुरियर करने के लिए किसी पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना, आप HDFC बैंक के ATM में या बैंक के ड्रॉप बॉक्स में जाके डाल दीजिए, वो अपने आप वहाँ भेज देंगे, आपका रीओपनिंग हो जाएगा। रीओपनिंग के बाद आपका 10 से 12 दिन में कार्ड आ जाता है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले कुछ सिंपल्स बातों को आपको फॉलो करना है कि देखिए जब आप बैंक में फाइल अप्लाई करेंगे तो आपके पास बैकेंड से कॉल आएगा। बैकेंड के कॉल आने के बाद आपका जब बैंक लॉगिन हो जाता है तो मैसेज आता है। उस मैसेज में आपको कुछ कोड्स होते हैं, उस कोड्स को एक नंबर पर फॉरवर्ड करना होता है। उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि आप 5 दिन में क्रेडिट कार्ड कैसे बना सकते हैं HDFC बैंक का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर वो मैसेज को विद इन 2 आवर में भेज देते हैं तो आपका कार्ड रियली में 5 दिन में आ जाता है। नहीं अगर आप भेज पाते हैं तो आपका कार्ड कभी कभी डिक्लाइन भी हो जाता है, उसके लिए आपको रीओपनिंग लेटर भेजना पड़ता है। अगर आपको रीओपनिंग लेटर आपका एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड कर देता है तो वेल एंड गुड है। नहीं अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, नहीं पा रहा है वो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप में आइए, मैं मेरी टीम आपको बताएंगे कि रीओपनिंग लेटर आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा और आप उसको कैसे प्रिंट आउट करके भर के बैंक को भेज सकते हैं, ताकि आपका बिना डॉक्यूमेंट्स या जो पहले डॉक्यूमेंट्स आपने दिए उसी डॉक्यूमेंट्स पे आपका क्रेडिट कार्ड आ जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाए गया होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद अगर कार्ड आपका नहीं आता है तो आपको कैसे स्टेटस चेक करना है। अगर वहाँ स्टेटस में अप्रूव्ड हो गया तो कार्ड आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो आपको रीओपनिंग कैसे करना है, रीओपनिंग लेटर कैसे भेजना है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल बने हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, भाई बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव, लोन से रिलेटिव, इंश्योरेंस रिलेटिव, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटिव, तो ये व्हाट्सअप पर रखिए, मैं मेरी टीम हेल्प करेंगे इस सवाल का जवाब देने में जो आपने पूछा है। क्या आपको कोई रिकवरी वाला गाली गलौज कर रहा है क्रेडिट कार्ड के नाम पर, बैंक पर्सनल लोन के नाम पर रिकवरी वाले आपको गाली गलौज कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आपका अधिकार है उनकी गालियों का मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि RBI की गाइडलाइन आ गई है नई आप लोगों के लिए, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए, 4-5 टॉपिक्स हैं, मैंने क्लियर कर रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। व्हाट्सअप में आइए, पूछिए, मैं वहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इन वीडियोस को देख के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं था अब्दुल, आप देख रहे थे एज का टिप्स, पढ़ने लिखने का आपको अगर शौक है अच्छा तो आइए हमारी वेबसाइट www.ahkatips.com पे, आपको बहुत टॉपिक्स पे ब्लॉग मिलेगा वहाँ पे। बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।